नमस्ते दोस्तों, मैं राजेश व्यास वास्तुविद। आज बात करते हैं भगवान विश्वकर्मा जी के बारे में। भगवान विश्वकर्मा जी को सबसे पहले नमस्कार करते हैं। भगवान विश्वकर्मा संसार के पहले इंजीनियर थे। भगवान विश्वकर्मा ने जितने भी देवताओं की राजधानियां थी भगवान विश्वकर्मा के द्वारा ही बनाई गई। वास्तु के 18 उपदेष्टाओं में ये सबसे प्रमुख विश्वकर्मा देव ही माने जाते हैं। ये निर्माण के सृजन के देवता माने जाते हैं। भगवान विश्वकर्मा ने इनको देवताओं का वास्तुकार माना जाता है। देवताओं के भवन, देवताओं के रथ, देवताओं के हथियार, ये सब कुछ भगवान विश्वकर्मा द्वारा ही बनाए जाते थे। भगवान विश्वकर्मा की पूजा करने से हमें बहुत लाभ मिलता है। चाहे दुकान है, चाहे कारखाने है, जो बढ़ई है, सुथार है, सभी लोगों को भगवान विश्वकर्मा की पूजा करनी चाहिए। भगवान विश्वकर्मा जो थे ब्रह्मा जी के जो पुत्र थे, धर्म के पुत्र थे। वास्तुदेव की जो पत्नी थी अंगिरषि के ही है पुत्र माने जाते हैं। और भगवान ब्रह्मा जी के ही वंशज जो कहते हैं वह भगवान विश्वकर्मा ही थे। देवताओं के जैसे मैंने आपको बताए थे हथियार, रथ, ये सब कुछ विश्वकर्मा जी ने बनाए थे। इसलिए भगवान विश्वकर्मा की आप पूजा करें, चाहे इंद्रपुरी थी, चाहे जगन्नाथपुरी कलयुग में ले लें, वह भी विश्वकर्मा के द्वारा बनी गई। यमपुरी भी भगवान विश्वकर्मा के द्वारा ही बनी गई। द्वारिका, हस्तिनापुर और रावण की जो सोने की लंका थी वह भी भगवान विश्वकर्मा के द्वारा बनाई गई। कर्ण के कुंडल भी भगवान विश्वकर्मा के द्वारा बनाए गए। और चाहे भगवान श्री विष्णु का सुदर्शन चक्र था, चाहे शंकर भगवान का त्रिशूल था, ये सब कुछ भगवान विश्वकर्मा के द्वारा ही बनाए गए। आप भगवान विश्वकर्मा की पूजा कीजिए। विश्वकर्मा की पूजा करने के लिए आप सबसे पहले एक चौकी के ऊपर भगवान विश्वकर्मा का एक चित्र, एक विग्रह आप स्थापित कीजिए। फिर उसको स्नान करा कर उस पे गंध, धूप, दीपक और नैवेद्य आदि चढ़ाइए। और भगवान विश्वकर्मा को आप सफेद फूलों की माला पहनाइए। पंच मेवे भी आप भगवान विश्वकर्मा के चढ़ाइए। फिर जितने भी आपके औजार है, औजारों की पूजा करने का विश्वकर्मा के लिए बहुत महत्व माना जाता है। इसलिए आप अपने औजारों की पूजा भी, आप मान लो विश्वकर्मा जिस दिन जयंती आए, आप विश्वकर्मा की जयंती के दिन अपने औजारों की पूजा अवश्य करें। दोस्तों आज मैं आपको वो मंत्र बता रहा हूँ, उन मंत्रों का आप यदि आप जाप करते हैं तो कभी आपके काम की कमी नहीं आएगी, आपकी समृद्धि का भंडार भरा रहेगा। तो भगवान विश्वकर्मा का आप ध्यान करते हुए ओम अनंतय अनंतम नमः, ओम अनंतम नमः, आप इस मंत्र का भी जाप कीजिए। ओम पृथ्वे नमः, ओम दुर्लभाय नमः, आप इन मंत्रों का जाप कीजिए। भगवान विश्वकर्मा बहुत ही प्रसन्न होंगे। दोस्तों आपको मैं हमेशा वास्तु की नई नई जानकारियां देता हूँ। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको, मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। भगवान विश्वकर्मा को बार बार कोटिशः प्रणाम और आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू दोस्तों।